सो गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो बैटल स्टार्स। तो हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वाले वीडियो लेकर। तो जैसे कि तुम लोगों ने वहाँ पे पिछला वाला वीडियो में देखा था कि हम बॉन्क पास के बारे में टोटल वहाँ पे रिव्यू दे दिए थे कि बॉन्क पास तुम लोग को क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और बॉन्क पास में क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो भाई ऑल चीज़ हम बता चुके और वीडियो हम रात को ही ला दिए थे क्योंकि भाई थोड़ा कल रात में हमको उतना नींद नहीं आ रहा था, तो सोचे तुम लोग के लिए वहाँ पर वीडियो बना ले। तो तुम लोग के लिए भाई पूरा बॉन्क पास से रिलेटेड बता चुके हैं भाई कैसे मिशन करना है, क्या चीज़ है और कैसे क्या अनलॉक करना है। तो पिछला वाला वीडियो गाइज ये जो स्क्रीन पर आ रहा है तुम लोग जाके देख लो, ठीक है। और हम लोग भाई अभी यहाँ पे खेल रहे हैं दिल्ली वाला मैप, जिसमें कि मैं और टोली एलोन और एक रैंडम में यहाँ पे बॉट आ चुका है। तो हम लोग को भाई यहाँ पे मैच विन करना है। तो ये मेरा 5वां मैच है आई थिंक। तो 5वां मैच जैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिशन में है कि मतलब 5 बड़मोड़ा जो वाला बड़मोड़ा बोलते भाई 5 फुल मैप खेलना है, बीआर वाला यानी कि बैटल रॉयल वाला मैप खेलना है 5। तो जैसे हम लोग 5 यहाँ पे टोटल मैच कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे मेरा जो अभी पापी वाला कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे अनलॉक कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 ग्रीन हट हो चुका है और जूता तो एक भी नहीं मिला और 2 ग्रेनेड भी हो चुका है। तो देखते हैं भाई हम जो यहाँ पे इस वाले मैच में कितना ज़्यादा किल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला और मेरे पास 3 ग्रीन हट है। तो भाई ऑलरेडी अब हम कितना ग्रीन हट ले ही पाएंगे। और थोड़ा गाइज क्या हुआ था यार, हमको ठंडी वंडी लग गया तो थोड़ा मेरा गला जो है ख़राब हो गया, तो थोड़ा इसको इग्नोर कर देना मेरा वॉइस को और गला जल्दी ठीक हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं ऊपर रेड फोर्ट वाले जगह पे। तो तुमको पता है कि ये जो दिल्ली मैप में प्लेस इसका नाम रेड फोर्ट है और यहाँ पे भाई बहुत बंदी है सब, तो भाई सबका किल ले सकते हो। और वीर का तो तुमको पता है कि भाई वीर में कितना ज़्यादा पावर है। और यहाँ पे भाई पूरा यहाँ पे हम लोग मारना स्टार्ट कर दो, पूरा जितना भी था पूरा शेयर ख़त्म कर देंगे। तो जिसके साथ भाई यहाँ पे मेरा हो चुका 4 किल भाई, देखते देखते पूरा 4 किल कर दिए, तुरंत यहाँ पे 4 किल हो गया। और गाइज मतलब गला जो है कभी ठीक होता है कभी ख़राब होता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 4 स्क्वाड लाइव और ये जो कैरेन वाला ये बोर्ड दौड़ले आ रहा है तो इसको भी मार देंगे। तो यहाँ पे चलो ये भी डाउन हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम इसका किल ले लेंगे। यहाँ पे देखो आराम से यहाँ पे किल मिल गया। टोली एलोन भी यहाँ पे किल ले रहा था लेकिन इसको भाई किल लेने नहीं दिया। और 3 ग्रीन हट तो अपन लोग के पास हो ही गया है और 5 किलो हो चुका है अपन लोग का। और देखते बंदे कहाँ भाई जितना जल्दी मैच ख़त्म कर सके। और ये मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक के मार रहा था लेकिन इस बार बच गया, क्योंकि इसको बहुत बार हम ग्रेनेड फेंक के मारे भी थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था भाई दिल्ली मैप खेलने में। तो उसके साथ यहाँ पर जो है मिल चुका है एक और इसको ये भी यहाँ पे डाउन है और इसको यहाँ पे मार के हम किल ले लेंगे। तो मेरा 6 किलो हो जाएगा। तो आराम से भाई 6 किलो गया तुम्हारे भाई का। और देखते बंदे कहाँ भाई जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना रात के टाइम में खेल रहे थे ना, तो रात के टाइम में बोट ही आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जूता मिल गया और देख लेते बंदे कहाँ पे है। भाई फ्रॉग वाला जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी मस्त है, ठीक है। तुम लोग को भी हम गेम प्ले दिखाएंगे उसको अनलॉक करके। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है फ्रॉग वाला कैरेक्टर। अगर तुम लोग खेलते हो और उसका यूज़ अच्छे तरह से करते हो तो तुमको बंदे भी मार नहीं पाएंगे। और उसका स्पीड जो है और कैरेक्टर के कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा था। और अभी जो तुम लोग को मैच दिखाने वाले भाई क्या ही हम खेले थे रात को, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और फाइनल शॉटडाउन यहाँ पे चालू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वाड ओनली बचा हुआ है जिसमें कि 3 तो हम ही लोग हैं, एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बंदा बचा हुआ है तो एक को मारेंगे तो यहाँ पे हम लोग का मैच विन हो जाएगा। और अगर भाई तुम लोग कुछ भी अगर शॉप से परचेज करते हो बैटल स्टार्स के तो प्लीज़ मेरा क्रिएटर कोड जो है यूज़ कर लिया करो। तो इससे तुम्हारे भाई को भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्रिएटर कोड यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है सौरभ 900, सौरभ इस्तेमाल में लिखना 900, ठीक है। तुम्हारा भाई देखते देखते भाई बोट सबको मार के यहाँ पे 9 किल कर दिया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक आ जाएंगे और मेरा जो यहाँ पे मिशन है टोटल कंप्लीट हो चुका था। और देख लो भाई बॉन्क पास जो हम अभी तक बाय नहीं किए हैं तो तुमको बाय करके भी हम यहाँ पे दिखा देंगे जल्दी। और ये रहा भाई पापी का स्किन और मिल चुका भाई पापी वाला। भाई इसका वही हम तुम लोग से पूछे थे पिछला वाला वीडियो जो देखा होगा, हमको किसी का उतना जवाब नहीं आया कि भाई पापी का नाम पेपे या पापी है। तो चलो फाइनली भाई हम लोग को कुछ न्यू देखने के लिए मिल रहा है बैटल स्टार्स में, वो भी बहुत दिन के बाद। तो जो कि अपन लोग का ये रहा न्यू स्टार पापी फ्रॉग वाला कैरेक्टर। तो कमेंट में बताना कि भाई तुम लोगों को कितना मस्त लग रहा है इसका लुक। मेरे को तो भाई काफ़ी फनी और काफ़ी मस्त लगा। हम सोचे नहीं थे कि मतलब इतना ज़्यादा मस्त लगेगा, सोच रहा था भाई कुछ थोड़ा उतना भी नहीं लगेगा, लेकिन भाई रियली में यार बैटल स्टार्स वालों ने काफ़ी दिमाग लगा कि ये सब बनाए। और इसका एनिमेशन देखो, जब भाई एंट्री लेता है दौड़ के आता है, भाई क्या ही एनिमेशन है। और हम यहाँ पे मास्टर लीग पे हो चुके और 5000 से ज़्यादा किल हो गया है, क्योंकि भाई पिछला बार हम खेलते नहीं थे लेकिन इस बार हम बहुत ज़्यादा गेम प्ले किए हैं। और इसके साथ हम लोग अब खेलने वाले हैं पापी के साथ गेम प्ले। और जो है जल्द से जल्द हम लोग जो है बैटल पास को यहाँ पे जो है अनलॉक करेंगे। तो देखते हैं तुम्हारा भाई आज शाम तक में ये बैटल पास को अनलॉक कर लेता तो शाम में ही यहाँ पे दूसरा वीडियो हम लोग ला लेंगे, नहीं तो भाई कल तो पक्का है कि कल तो आएगा ही। और तुम लोग को ये भी चीज़ बता चुके कि बोंग पास में जो लीडर बोर्ड है इसमें अभी 44 दिन का टाइम है, मतलब टोटल 45 दिन के लिए ये बोंग पास है और 44 दिन वहाँ पर कुछ घंटा दिखा रहा है। और हर वीक में तुमको नया नया यहाँ पर स्टेज 1 स्टेज 2 टोटल स्टेज 6 दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर मिशन देख के कंप्लीट कर सकते हो। और भाई ये वाला मिशन वही कर सकता है जिसके पास डोगी अनलॉक होगा, यानी कि जो बोंग पास होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह लॉक लगा हुआ है, तो ये बस उसी के लिए है जिसके पास डोगी है। ठीक है, तो आई थिंक भाई तुम लोग समझ गए हम क्या बताना चाह रहे हैं तुम लोग को। और यहाँ पे ये सब बंदा देखो भाई जो टॉप 1 2 3 4 5 6 में है, मतलब जो टॉप 1 से 10 तक आएगा उसको भाई सीजन 4 का बैटल पास फ्री में मिलेगा 44 दिन बाद जो अपन लोग का आएगा। ठीक है, तो यार तुम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा गुड लक है और ऑल दी बेस्ट, तुम लोग ट्राई कर सकते हो फ्री में भाई बैटल पास, कौन छोड़ेगा। अगर तुम लोग ज़्यादा खेलते हो तुम लोग कर सकते हो ट्राई, जो कि लेकिन उसके लिए भाई तुमको इस बार का बोंग पास लेना पड़ेगा, तो ही तुम टॉप 10 तक में वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तुम्हारा भाई आ चुका है मुंबई मैप में। हम बीच में भाई टीडीएम मैप भी खेले थे, लेकिन टीडीएम में भाई सोचे यार क्या ही टीडीएम का उतना गेम प्ले दिखाएंगे, तो भाई मुंबई मैप का ये वाला तुम गेम प्ले देखो, तुमको अगर मज़ा नहीं आया तो बोलना। तो यहाँ पर भाई और एक देखो ये आ गया है फ्रॉग वाला करेक्टर है जो अपन लोग का पापी, और भाई डोन भाई लेवल 10 का डोन लेके आया है एक बंदा, और एक लेवल 7 का विवेक जो यहाँ पे लेवल, और टेक्नो ब्लेड ये देखो लेवल 10 का डोन है इसके पास। तो क्या भाई मेरा लेवल 3 का पापी वाला करेक्टर इन लोग के सामने टिक पाएगा? और तुमको बता दे भाई लेवल 3 का जो ये करेक्टर है ये सिर्फ अभी लेवल 3 है, तुम सोचो जब इसको हम लेवल 5 करेंगे तो ये कितना खतरनाक होगा। तुमको भी गेम प्ले तुम अभी देखो ना भाई, तुमको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई इस करेक्टर का एबिलिटी है क्या। तो मैच बस अब स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो हो चुका है अपन लोग का यहाँ पे मैच स्टार्ट। पापी वाले अपन लोग का न्यू कैरेक्टर, यार इसका नाम हमको बोलना बहुत अजीब लगता है यार, पापी। यार पापी मतलब कोई पाप वाप किया है क्या भाई? पुण्य दे देता है इसका नाम, पुण्य करना। नाम ही बड़ा अजीब टाइप का है। और चलो यहाँ पर जो है आ चुका है गोली, सबसे पहले गोली ही ले लेते हैं। तो गन का बुलेट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख लो भाई इसको जब हम खेल रहे थे ना हमको लग रहा था थोड़ा जो है ना फास्ट चल रहा है, और कैरेक्टर के कंपेयर में थोड़ा सा ये फास्ट चलता है। और ये देख लो ये बोट है भाई, इसको मार देंगे, इसको आराम से मारेंगे, लेकिन पहले हम जूता ले लेंगे। और ये देखो किधर मार रहा है मेरे को, इसको यहाँ पे मारेंगे। और यहाँ पे मेरा हो चुका रेडी टॉक्सिक वाला गन, ये देखो भाई इस यही है स्किल भाई, अगर तुम सेकेंडरी वेपन का यूज़ करना अगर सीख गए अच्छा से। ये देखो हम यहाँ पर मार दिया और ये मर गया। ये जो पॉइजन आता है इसका सेकेंडरी वेपन से भाई, जिसका नाम है टॉक्सिक, नाम है भाई टॉक्सिक। और फेंकता भी एकदम टॉक्सिक वाला जो चिपचिपा टाइप से यहाँ पे फेंकता है, और जो बंदे वहाँ पे चिपचिपा वाले पे रहता है तो वो भाई धीरे धीरे उसका हेल्थ घट जाता है। और ये देखो गया, ये भी गया, एक बार और ये देख लो गाइज, देखो भाई जेक गया और भाई किल हमको मिला क्या? और ये भी चला गया भाई, इसको कौन मारा? अच्छा जूका, यहाँ पे जूका छिपा हुआ पर, तो भाई यहाँ पे जूका को मारना स्टार्ट कर दिया। और प्राइमरी वेपन्स का भी काफ़ी गंदा डैमेज, और तुमको थोड़ा सा इसका गोली पे ध्यान रखना हो, क्योंकि भाई इसका जो गोली है गम बोल नाम है इसका। और भाई पीछे देखो भाई हमको डोन जो ने मेरा पीछा कर दिया, पूरा मेरा हेल्थ यहाँ पे कम हो चुका है, अभी हम मरते मरते बचे हैं। और मेरे पास जूता जो अब एक ही जूता, और भाई यहाँ पर भी डोन भाई गए भाई, यहाँ पे बस रहे भाई, क्या ही मैच निकाल रहे तुम देखो यहाँ पे कितना, मतलब बच के चले। काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइज यहाँ पे मैच हो चुका है। और फिर से एक जूता मिल चुका है और वो लोग में फाइट होने देते हैं। और भाई चलो एक ग्रीन हट मिल गया, क्या लक है भाई मेरा। अभी तुमको लगा था मर गए थे लेकिन भाई बच गए। तो तुमको भाई जो इसका जो गन है ये सिर्फ 6 एमओ रखता है टॉक्सिक वाले सेकेंडरी वेपन्स में, और जो गम बॉल में टोटल 80 एमओ रखता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि इसका एमओ ख़त्म नहीं हो जाए, अगर एमओ ख़त्म होगा तब तो भाई तुम गया। और इसका जो सेकेंडरी वेपन्स का भाई थोड़ा तुमको अच्छा से सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई जहाँ मन तहाँ तुम फेंक दोगे तो गोली वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम तुमको बोल दिया भाई कैरेक्टर मस्त है, लेकिन इसमें जो तुमको प्रैक्टिस चाहिए इस वाले कैरेक्टर में, स्किल बेस्ड कैरेक्टर है पूरा, स्किल बेस्ड कि जब तक तुम किसी को जो है वहाँ पर ये फेंकोगे नहीं सही तरीक़ा से। और ये जो टॉक्सिक वाला जो गन से जो निकलता है चिपचिपा वाला पॉइजन, वो अगर किसी पे अच्छा तरह से जाएगा नहीं तो उसका हेल्थ घटेगा नहीं। तो इसलिए भाई तुम लोग को हम ये बात पहले बता दिए कि अगर तुम लोग खेलोगे इस वाले कैरेक्टर के साथ तो काफ़ी बढ़िया से खेलना। और ये अभी रेयर कैरेक्टर है, तो मेरे ख्याल से इसका जो टोकन होगा तुम लोग को भाई क्रेट से भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि रेयर कैरेक्टर का तो टोकन फ्री में मिलता है। और जो वो डोगी वाला कैरेक्टर है जिसका नाम डोगी ही रखा गया भाई, जो बोंग पास इस बार का रखा गया है, तो वो डोगी जो है तुम्हारा आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो टोटल 3 आइकॉनिक कैरेक्टर हो चुका है अभी तक में, जिसमें कि अपन लोग का एक डोगी हो गया, वीर, और उसके बाद टेक्नो। और बाद बाकी जो ये तुम्हारा रेयर कैरेक्टर है, मेरे को लगा था कि ये वाला कैरेक्टर जो थोड़ा सा एपिक हो सकता है या मतलब कुछ अलग टाइप से लगा था। और इसका जल्द ही जो है भाई हम यहाँ पे बॉन्क पास लेंगे तो उसमें हम लेजेंडरी स्किन सब भी अनलॉक करेंगे इसका, तो देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मेरा हेल्थ थोड़ा घटना स्टार्ट हो गया है और हम लोग नीचे आ चुके हैं। आराम से भाई फाइट लेना, एक ही बंदा बचा है क्योंकि एक तो डोन एक दूसरे से फाइट कर लिया था। तो अभी भाई हम देखते हैं इसको मार पाते या नहीं मार पाते। तो दो गोली मेरा बचा, भाई गोली भी मेरे पास कम है, दो गोली और, लेकिन भाई गोली मिल चुका। अरे ये रहा गया, इसको इसको दिए। देखो गाइज आराम से तुमको फेंकना, आराम से। हम भी यहाँ पे जो कभी कभी सही से हम फेंक नहीं पाते थे। इसको पॉइजन लगना स्टार्ट हो चुका है, देख लो भाई पॉइजन लगना स्टार्ट हो चुका है। और बम हम ये बम भी यहाँ पे फेंक रहे हैं और ये बंदा भी हड़बड़ा गया है, सोच रहा है कि क्या करे तो करे क्या। और सेकेंडरी वेपन आ चुका है, देखो यहाँ पे एक गोली तो हम बर्बाद कर दे, उधर मिस्टेक से फेंका गया। तो यहाँ पे भाई इस वाले कैरेक्टर के साथ बहुत खेलना होगा और फाइनली भाई इसको मार देंगे। यहाँ पे देखो इसको टिकने नहीं देंगे वैसे, और ये चला गया। तो कमेंट में बताना कि भाई तुमको ये वाला कैरेक्टर कितना मस्त लगा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा और काफ़ी ज़्यादा फनी कैरेक्टर है भाई। तुम लोग को जो है खेलना चाहिए, जितना ज़्यादा खेलोगे ना तो उतना ज़्यादा तुम लोग का स्किल यहाँ पर जो है फ्रॉक वाला कैरेक्टर को यूज़ करने में लगेगा। और भाई लाइक कर देना इस वाले वीडियो का, लाइक 100+ लाइक करते हैं, 100+ लाइक, तो यकीन है भाई तुम लोग करवा दोगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बॉन्क पास अनलॉक करने के बाद ही कोशिश करते हैं जैसे जल्द से जल्द बॉन्क पास अनलॉक करें। और तुम लोग को भाई टोटल आइटम्स वहाँ पे दिखाए, तो हमको भी मिशन करना पड़ेगा या पता नहीं क्या होगा मेरे साथ सीन। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पर जब रैंक पुश करना थोड़ा छोड़ देते ना बीच में, तो यहाँ पर जो मेरा 40 नंबर पर हम चल रहे, तो हमको भी ज़्यादा रैंक पुश करना पड़ेगा। और बहुत बंदे यहाँ पर बहुत सारा करेक्टर निकाल चुके हैं बैटल पास। मिलते हैं